दोस्तों HP 1005 में ये एरर आता है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, प्रिंट ऑन बोथ साइड इंस्ट्रक्शन। ये मोस्टली जब हम ऑनलाइन पेजेस कोई प्रिंट आउट लेते हैं उस समय आता है, अगर हमारे प्रिंटर की सेटिंग इस वेब पेज में अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो क्यों आता है मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। फिलहाल देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। After the first side of your document is printed, follow the step below to print the second side of each page. मतलब अगर एक तरफ प्रिंट हो गया है तो नीचे के जो स्टेप दिए गए हैं आप वैसा फॉलो कीजिए पिछले साइड मतलब दूसरी तरफ प्रिंट आउट लेने के लिए। ये मोस्टली मैनुअल प्रिंटर में होता है, जैसे कि जिसमें ऑटो डुप्लेक्स नहीं होता है उस प्रिंटर के लिए, जैसे कि जो वन साइडेड प्रिंट करते हैं आपका 1005 हो गया, कोई भी नॉर्मल प्रिंटर हो गया जिसमें डुप्लेक्स का ऑप्शन नहीं होता है उसके लिए होता है। तो ये एरर क्यों आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल मैं पेपर को पलट देता हूँ और देखिए यहाँ पे ओके प्रेस करना है, ओके मैं प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना लोड ट्रे, ओके प्रेस करता हूँ अब प्रिंट आउट आएगा। देखिए आपका प्रिंट आउट आ गया। ये यही है HP लेटर जेट के बारे में मैंने लिखा है, ये देखिए यहाँ पे देखिए सेम वही है पेज, गूगल का पेज है सर्च रिजल्ट। तो ये प्रॉब्लम क्यों आता है आप देख लीजिए, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिंट किया Ctrl+P करते हैं, अब आपका ये प्रिंटर सेलेक्टेड है, यहाँ पे पेजेस सेलेक्टेड है और थोड़े से नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पे देखिए मोर सेटिंग लिखा हुआ है। तो जब मोर सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे देखिए पेपर साइज है, यहाँ पे कितने पेजेस चाहिए एक पेज के वो है, मार्जिन डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, हम लोग उसको लंबा चौड़ा छोटा मोटा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे स्केल कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप टू साइडेड में ये टिक मार्क है, इसको हम लोग बंद कर देंगे ठीक। अब जैसे इसको बंद कर देंगे और प्रिंट आउट देंगे कोई एरर नहीं आएगा, तुरंत प्रिंट आउट आ जाएगा। ठीक, तो फिर ये दो पेजेस का था, इसके लिए दो पेज में प्रिंट हुआ है। अब ये दो पेज में वापस डाल देता हूँ और आपको वापस से वो प्रॉब्लम वाला सेटिंग चेक कर, देखिए प्रिंटर रेडी है। Ctrl+P किया, मोर सेटिंग और ये प्रिंट ऑन बोथ साइड और प्रिंट कर दिए, देखिए एक प्रिंट आउट आएगा, एक पेज आ गया आपका। अब प्रिंटर बोलेगा इसको पलट के रखिए और आपके लैपटॉप पे एक पॉपअप आ जाएगा ये वाला। तो ये है सेटिंग इस एरर के लिए, आप इसको ऑफ कर देंगे तो ये आपका सेटिंग ख़त्म हो जाएगा जो कि मैनुअल की सेटिंग होती है मैनुअल डुप्लेक्स के लिए। इसको Ctrl+P मोर सेटिंग और इसको अनटिक कर देना है टू साइडेड को और प्रिंट कर देना है, बस यही था छोटा सा सेटिंग। थैंक यू।